सबको चकमा देकर अचानक दिल्ली की सड़कों पर छात्रों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यहां मुखर्जी नगर इलाके में संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से बातचीत की। राहुल गांधी की छात्रों के साथ बैठक उस दिन हुई जब गुजरात के सूरत की एक अदालत ने उनकी मोदी उपनाम टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार मुखर्जी नगर में कांग्रेस नेता को छात्रों के साथ सड़क किनारे एक कुर्सी पर बैठे देखा गया और उन्होंने उनसे उनकी उम्मीदों और अनुभवों के बारे में पूछा। इस सप्ताह की शुरुआत में गांधी ने पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र में और बंगाली बाजार का दौरा किया और इन क्षेत्रों के लोकप्रिय व्यंजनों का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी ने जामा मस्जिद क्षेत्र और अन्य भोजनालयों में एक प्रसिद्ध शरबत विक्रेता से मुलाकात की। उन्होंने खुद भी फलों का जायका लिया और बंगाली बाजार में नाथू स्वीट्स में गोलगप्पों का स्वाद चखा। बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की अपील खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता की मोदी उपनाम टिप्पणी पर भाजपा के पूर्णेश मोदी द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। इससे पहले सत्र अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और 23 मार्च को एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सुनाई गई उनकी 2 साल की जेल की सजा को तब तक के लिए निलंबित कर दिया था जब तक कि उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी अपील का निस्तारण नहीं हो जाता। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।